जय हिंद भाइयों, मैं मिशन सक्सेसफुल डिफेंस एकेडमी मुजफ्फरपुर में आपका स्वागत करता हूं। और आज देख रहे हैं कि ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस कराया गया है तो उसका आज हमारे यहां पे ट्रायल है। तो आज सारे के सारे ग्रुप डी वाले का आज टेस्ट होने जा रहा है 1000 मीटर का। और मैं आपको आज पूरा फुल वीडियो के साथ दिखाऊँगा कि 1000 मीटर में कौन सा लड़का फर्स्ट आया और कितने ग्रुप वाले जो 4-15 के अंदर आ रहे हैं, जिसमें से आपके लड़के के साथ साथ लड़कियाँ भी शामिल है। तो लड़कियों का भी ग्रुप डी में रिजल्ट है पटना बोर्ड, तो आप लोग देखिए कि क्या आया टाइमिंग और कितना आ रहा है। बाकी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से जितना प्रैक्टिस मैं कराया हूं। हालांकि ज़्यादा दिन से तो नहीं करा रहा हूं, कुछ दिन से ही करा रहा हूं, दस दिन के अंदर से ही करा रहा हूं। तो बाकी उतना ही दिन में मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इम्प्रूव हुआ इन लोगों में, वो दिखाता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अब रनिंग स्टार्ट होने वाली है ग्रुप डी का, जो भी लड़के तैयारी किए हैं उनका अब क्या इम्प्रूव है, कितना टाइमिंग आया, वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो हेलो सर, सर 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 बाकी लड़के जोरदार ताली बजा दीजिए इन लोगों के लिए। हाँ, और आप लोग को अच्छा, अरे टाइमिंग चालू रखना, बोलो भारत माता के, चालू रखना वीडियो, वीडियो चालू है क्या, बोलो भारत माता के। चलिए रेडी है, टाइमिंग लगाना। हाँ गो, अरे पहले ही घिस रहा है ये, अरे 400 मार रहा है क्या। ये हमारा पढ़िया अभ्यार्थी, बोलिए ना कंट्रोल कंट्रोल, बोलिए ना पहला भैया। जैसा देखिए पहला बंदा कैसे जा रहा है, आप देख सकते हैं साथ में लड़कियां भी एक पीछे है। जय हिंद भाइयों, जैसा कि आप लोग देखे हैं कि रेलवे का टेस्ट हो गया ग्रुप डी का। तो आज हम आप लोग को हम बता रहे हैं, शुरू में ही बताए थे कि आपको टाइमिंग के साथ हम बताएंगे कि क्या टाइमिंग आया। तो जानते हैं कि पहला टाइमिंग क्या आया, अब बताइएगा अपना रियल टाइमिंग बताइएगा जो आया टाइमिंग। 4:30 आया, तो 3:30 आया। तो जैसा कि देखिए पहला बंदा हमारा आया है 3:30 में, और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बताइएगा टाइमिंग आपका क्या आया। 3:33 है, 3:31 मतलब 3:30 3:31, बहुत बढ़िया शानदार जा रहा है आपका, बताइए 3:33। ये देखिए सारे के सारे लड़के टाइमिंग ऐसे मांग रहा है वहाँ पे 4:15, लेकिन ये पहले से ही काफी प्रैक्टिस में है। तो देखिए फिर मैं पता करते जा रहा हूँ, बताइएगा टाइमिंग। 3:43 जोरदार ताली बजाइए इन लोग के लिए, जो भी एक्सीलेंटर है ताली बजाते रहो, बताइएगा छोटो टाइमिंग। 3:40 देखिए 3:33 3:40 और देखिए 4:01 बहुत बढ़िया, बताइए टाइमिंग 4 मिनट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 3:30 से स्टार्ट हुआ है, अभी तक 4 मिनट तक आया है और इतना कैंडिडेट है अभी, बताइएगा टाइमिंग। 4:05 बहुत बढ़िया, ताली बजाइए कम से कम जोरदार ताली। 4:16 मात्र 1 सेकंड से पीछे रह गए हैं पास होने से, मात्र 1 सेकंड से, लेकिन आशा है कि वो अब वो भी टाइमिंग कम हो जाएगा अगला टेस्ट में, बताइए टाइमिंग। 4:30 आया, 4:45 4:45 4:45। बाकी आप लोग जैसे देख रहे हैं, आइए आइए, आप रुक गए हैं, आप रुके हैं, टाइमिंग देखे हैं क्या आया टाइमिंग। 4:50 करीब, मतलब कुछ लड़के जो है पास है, बाकी कुछ ही बच रहे हैं जो 10 सेकेंड 15 सेकेंड के अंतर पे है। मैं ये भी विश्वास दिलाता हूँ कि अभी जो 4-5 लड़का को आप देख रहे हैं, अगला बार उसको भी देखिएगा कि सर 4:10 4:08 4:05 बोलते हुए, आशा और विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा टाइमिंग है टेस्ट रेलवे का, बाकी जय हिंद, आप लोग भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। और एक बार और बता दूं कि आप लोग के बीच में एक लड़की का भी टेस्ट हुआ है, तो लड़की का टाइमिंग दे रहा है 5:40, जिसमें से हम आपको इनसे खुद पूछवाते हैं कि क्या आया टाइमिंग। ये लड़की रुक रही थी वहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं जोश जुनून के साथ इसको यहाँ तक खिंचवा के लाया हूँ। जैसा कि आपको टाइमिंग सुनिए, टाइमिंग बोलिए जोरदार ताली बजाइए। 4:51 4:51 मांग रहा है 5:40 और ये लड़की लाई है 4:51, तो जोरदार ताली मेरे तरफ से इन लोगों के लिए। बाकी जय हिंद। जय हिंद।